मकम यदामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारु कमभिवंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। राधे कृष्णा। दोस्तों, सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत बहुत प्यार। न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बारिश की बूंद भले ही छोटी हो, लेकिन उसका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे जो छोटे छोटे प्रयास होते हैं, वो भी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए हमें किसी भी काम को या किसी भी प्रयास को छोटा नहीं समझना चाहिए, उसे कर देना चाहिए। तो लीजिए, आज हम बात करते हैं रत्नों की दुनिया के बारे में, पंचांग और राशिफल के बारे में, श्रावण मास के कुछ खास उपाय, और साथ में अंत में बात करेंगे हम वास्तु की कुछ खास टिप्स के बारे में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि रत्न को धारण करने से पहले उसका सही माप या सही समय क्या होना चाहिए। नौ ग्रहों में किसी भी ग्रह के कमजोर होने पर जो ज्योतिष विद्वान होते हैं, वो अक्सर रत्न पहनने की हमको सलाह देते हैं। लेकिन रत्न विज्ञान में प्रत्येक रत्न को धारण करने के लिए एक निश्चित माप तय किया हुआ है। अतः निश्चित माप का रत्न धारण करना बहुत ही लाभप्रद रहता है। उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत अधिक चल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अधिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे रत्नों का सकारात्मक प्रभाव पाने के लिए रत्न का सही माप और सही समय क्या रहता है। यदि हम सूर्य ग्रह के मानक स्तोन की अगर हम बात करते हैं, तो जितना बड़ा धारण किया जाए उतना ही उत्तम रहता है। कम से कम एक व्यक्ति को तीन रत्ती का मानक जो है वो धारण करना चाहिए। इससे ऊपर अगर वो करता है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। मानक जो है उसको जड़ने जो अपने उसमें जिस धातु में जड़ते हैं, उस सोने की अंगूठी का में जड़ना चाहिए, और उसमें जो वजन है कम से कम पांच रत्ती से कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मानक का प्रभाव अंगूठी में जड़ाने के समय कम से कम चार वर्षों तक तो ये बिल्कुल इसके अंदर ताकत और उसमें ऊर्जा लग जाती है। उसकी बाद में उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। यदि दूसरा मानक जड़वाना है तो कम से कम चार साल के बाद करवाएं। तो ये तो ज़्यादा हमने मानक रत्न के बारे में, अगली बार फिर बताएंगे दूसरे रत्नों के बारे में। तो आइए जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज है रविवार 11 अगस्त 2019, और आज शुक्ल पक्ष श्रावण मास विक्रम संवत 2076 वर्षा ऋतु की एकादशी तिथि है, जो कि प्रातः 10:54 तक रहेगी। और आज सूर्य भगवान प्रातः 5:55 पर ही आ जाएंगे और शाम को 7:07 पर यहाँ से चले जाएंगे, उस समय अस्त हो जाएंगे। यदि हम चंद्रमा की बात करते हैं तो शाम को 4:08 पर उदय होने वाला है। आज चंद्रमा धनु राशि में ही रहेंगे। इसके साथ ही राहु काल का जो समय है वो शाम को 5:28 से लेकर के 7:07 तक ही रहेगा। इसलिए राहु काल के समय में कोई यात्रा या कोई शुभ कार्य को करने से थोड़ा सा बचे। अभिजीत मुहूर्त जो है उस 12:05 से लेकर के और 1 बजे तक का समय रहेगा। दिशा सूर्य की यदि हम बात करते हैं तो पश्चिम दिशा रहेगा, और पश्चिम दिशा में फिर भी जाना पड़े तो पान या इलायची आप खा करके। लीजिए, हम बात करते हैं आज जन्मे सभी जातकों को आज हम बधाई देते हैं। सभी जन्मे आज भाइयों और बहनों को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आज जितने भी जातक जन्म देते हैं उनका मूलांक आता है 2, और आज का ही नहीं, जो लोग 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को जन्म लेते हैं, उन सभी का मूलांक 2 ही आता है। 11 की जो संख्या है उनका आपस में जोड़ते हैं तो संख्या 2 आती है। इस तरह आपका मूलांक 2 हुआ, और इस मूलांक को चंद्रमा जो ग्रह है वही संचालित करता है। चंद्रमा ग्रह आप जानते हैं मन का कारक होता है, और आप अत्यंत भावुक आप होते हैं, और आपके स्वभाव में थोड़ी शंकालु किस्म के आप, दूसरों के दुख दर्द में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आप मानसिक रूप से तो आप स्वस्थ होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से आप कोई कमजोरी अपने आप को महसूस करते हैं। चंद्र ग्रह स्त्री का ग्रह माना गया है, अतः आप अत्यंत
कोमल स्वभाव के होते हैं और आप में अभिमान तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। चंद्रमा के समान आपका स्वभाव भी उतार चढ़ाव वाला होता है और इसीलिए आप जल्दबाजी अगर आप त्याग देते हैं तो जीवन में बहुत सफल बन सकते हैं। इसलिए न्यूज़ इंडिया की तरफ से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी हर राह आसान हो, हर राह पे खुशियां हो, हर दिन खूबसूरत हो और ऐसा ही आपका पूरा जीवन हो। आप अपने उद्देश्य की पूर्ति करें, आप स्वस्थ रहें। यही न्यूज़ इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो लीजिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज के राशिफल की। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आपका दिन, कौन सा है आज आपका लकी नंबर और किस रंग के कपड़े पहनने से आज आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे और क्या उपाय करने से आज आपका दिन श्रेष्ठ जाएगा। लीजिए हम बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है और आप खुद के कार्य को समाप्त करने में बिल्कुल सफल रहेंगे। किसी खास व्यक्ति से आज आपको सहयोग और उसकी मुलाकात हो सकती है और आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आपका स्वास्थ्य जो है पहले से बेहतर होने वाला है और आप अपने करियर में जो है नए अवसर आज प्राप्त कर सकते हैं। पैसों के सिलसिले में अधिकारियों से बातचीत होने के भी पूरे पूरे योग हैं और कुछ योजनाओं में आप बदलाव भी कर सकते हैं। आप कुछ आज नया करके भी दिखा सकते हैं। आज आपका लकी नंबर रहेगा 1 और लकी आपका रंग रहेगा मेहरून रंग। आज के दिन उपाय क्या करना है, आज के दिन शिवलिंग जो है शिवजी है, भोलेनाथ है, उनमें दूध और जल आप अर्पित करें, जलाभिषेक करें, आपके करियर में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। आज आपका दिन जो है बेहतरीन होने वाला है, आपका मन सामाजिक कार्यों की तरफ रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो छात्रों को आज बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। साथ ही जो विद्यार्थी विदेश जाने की चाह में हैं उनकी भी आज इच्छा पूरी हो सकती है। आज आपको शिक्षकों से पढ़ाई में भी आज पूरी मदद आपको मिल सकती है। आप पूरे दिन अपने आप को तरोताजा महसूस कर सकते हैं और किसी धार्मिक आयोजन में आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा। पैसों की स्थिति आज जो आप थोड़ा गंभीरता से विचार करेंगे जिसमें आप सफल भी हो सकते हैं। यदि आपके लकी नंबर की बात करते हैं तो लकी नंबर है 9, रंग है आपका ऑरेंज कलर। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। आपके सभी कार्य मान सम्मान के साथ पूरे होंगे। लीजिए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आज आपका दिन बेहतर और बढ़िया जाने वाला है। आज किसी खास काम में आप सफलता आपको हासिल हो सकती है। आप अपनी ताकत और प्रतिष्ठा में बिल्कुल पहचाने जाएंगे। आप किसी समारोह में जाने की योजना तो बना सकते हैं, साथ ही जीवन साथी भी आपको ईमानदारी से प्रभावित करेगी। छात्रों के लिए आज का दिन अन्य दिनों की अपेक्षा में काफी फायदेमंद हो सकता है। साथ ही अपनी दिशा का निर्धारण करने में आज आप कामयाब रहेंगे। कारोबारियों को लाभ मिल सकता है और दोस्तों से भी सहयोग मिल सकता है। आज आपका लकी नंबर रहेगा 7 और लकी रंग आपका रहेगा पीला रंग। इसलिए पीले रंग से संबंधित कोई कपड़ा या रुमाल अवश्य अपने साथ में रखें। उपाय के तौर पे क्या करना है, मंदिर में कुछ देर आप समय बिताएं, मंत्र जपें और भगवान को प्रणाम करें, अपनी समस्याओं के बारे में कहें, आपकी सभी समस्याएं अवश्य दूर होंगी। तो लीजिए अब हम बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है और आपके सभी काम मन के मुताबिक पूरे हो सकते हैं। आप बच्चों के साथ किसी पिकनिक स्पॉट पर भी आप जा सकते हैं और साथ ही आप अपने किसी रिश्तेदार को भी आप साथ लेकर के जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी किसी बात को मनवाने के लिए किसी पर दबाव नहीं डालना है। कुछ साथियों के साथ आप मनमुटाव हो सकता है और बिजनेस से संबंधित आपकी यात्रा भी हो सकती है। आप पर खर्चा बढ़ सकता है, इसलिए आपको अपने खर्चों पर लगाम लगानी चाहिए। आपका लकी नंबर रहेगा 2 और लकी रंग आपका रहेगा सफ़ेद रंग। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, ज़रूरतमंद को वस्त्र दान करें। दोस्तों के साथ में और परिवार वालों के साथ में आपके संबंध बेहतर रहेंगे। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आज आपका दिन ठीक ठाक रहने वाला है और दोस्तों के साथ कहीं घूमने की आप योजना बना सकते हैं। हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा, आपको किसी काम में कुछ अलग से भागा दौड़ी भी आपको करनी पड़ सकती है। किसी अजनबी व्यक्ति की वजह से आज आपका मूड खराब हो सकता है और अपने पार्टनर के साथ आप बेहतर तालमेल बनाने में आज आप सफल भी रहेंगे। धन लाभ के लिए आप कुछ नए सोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पैसों के लेन देन में भी आपको बचना चाहिए। यदि लकी नंबर की बात करते हैं तो लकी नंबर है 1 और आपका लकी रंग रहेगा आसमानी रंग। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, किसी अनाथालय में जाकर के बच्चों को कुछ कपड़े और कुछ
उपहार आप दें, उनको खाने पीने की वस्तु दें, तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती नजर आएगी। लीजिए हम बात करते हैं कन्या राशि की। आज आपका दिन आपके फेवरेबल है और रुके हुए काम में आज किसी मित्र की मदद से आप उसको आप पूरा कर सकते हैं। आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है और आपके पास में कुछ नई जिम्मेदारी भी आएगी जिन्हें पूरा करने में आप सफल होंगे और पहले किए गए अच्छे कामों का आज आपको फायदा भी मिल सकता है। आप करियर में आगे बढ़ेंगे और कोई भी रुकावट आपको आगे बढ़ने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगी। ऑफिस में आप लोगों से अच्छा सहयोग मिलेगा और काम को लेकर के कुछ नए विचार, कुछ नए दिमाग में आइडियाज आपके आएंगे। आपको एक नई योजना भी अपना सकते हैं। आपका लकी नंबर आएगा 6 नंबर और लकी रंग आपका है हरा रंग। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, सूर्यदेव को जल अर्पित करें। जीवन में दूसरों का सहयोग तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, समस्याएं भी खत्म होंगी। तो अब तक हमने बात की शुरू की 6 राशियों के बारे में, अब हम बात करते हैं आगे की 6 राशियों के बारे में। उसके पहले हम शिव जी से संबंधित कुछ अनसुने रहस्य के बारे में हम बात करते हैं। यदि हम शिव शंकर भोले भंडारी के चिन्ह की अगर हम बात करते हैं तो उनको लेकर के साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सके उस पत्थर के ढेले या बटिया को शिव जी का चिन्ह माना गया है। इसके अलावा रुद्राक्ष या त्रिशूल को भी शिव जी के चिन्ह के रूप में भी हम मानते हैं। कुछ लोग डमरू और अर्ध चंद्रमा को भी जो है शिव जी का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग जो है शिवलिंग यानी कि शिव जी की जो ज्योति का जो रूप है उसी का पूजन करते हैं। यदि हम शिव जी की गुफा की अगर बात करते हैं तो शिव जी ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई थी और फिर उसी गुफा में छिप गए थे। वह गुफा आज भी जम्मू कश्मीर में 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ी पर है और दूसरी ओर भगवान शिव ने जहाँ पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से ही प्रसिद्ध है। यदि हम शिव जी के अवतार की यदि हम बात करते हैं तो शिव जी के अवतार भी बहुत रहे हैं, जिनमें से वीरभद्र, पीपलाट, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, शर्भावतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुतनर्तक, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैश्यनाथ, दर्जनेश्वर, हंसरूप, दर्जिश, नतेश्वर आदि हुए हैं। वेदों में रुद्रों का भी जिक्र है। रुद्र 11 बताए गए हैं और जो 11 रुद्र हैं वो हैं कपाली, पिंगल, भीम, विपुपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, आपुषार, शंभु, चंड और भव। ये सभी इनके चिन्ह के रूप में और इनके भंके वर्ग में माने गए हैं। तो लीजिए हम बात करते हैं तुला राशि के बारे में। आज आपका दिन मिला जुला रहेगा और आपको किसी मामले में कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। कारोबारियों को भी बड़ा फायदा हो सकता है और आपकी समझदारी आपको हर प्रकार की जो मुसीबतें हैं उससे दूर रखने में सहायता प्रदान करेगी। पारिवारिक काम की वजह से दौड़ भाग भी जो है वो आपको करनी पड़ सकती है, इससे आपको थकान महसूस हो सकती है। आपको शुभ समाचार भी मिल सकते हैं और काम काज को लेकर के नए बदलाव भी जो है वो आपके जीवन के अंदर होंगे। आज आपके अगर लकी नंबर की बात करते हैं तो आपका लकी नंबर रहेगा 2 नंबर और आपका लकी रंग रहेगा चॉकलेटी कलर। इसलिए चॉकलेटी कलर से संबंधित कुछ कपड़ा या रुमाल अपने साथ में रखिए, आपके लिए ऊर्जावान महसूस रहेगा। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, गाय को आप रोटी खिलाएं, आपकी सभी परेशानियां तो दूर होगी ही, आपकी समस्याएं भी खत्म होंगी। तो लीजिए अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। दोस्तों आज आपको दिन बड़ा शानदार रहेगा और शाम तक आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा। साथ ही रिश्तेदारों का जो है घर पर आना जाना लगा रहेगा और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल फिट रहेगा। आज आपके लव मैरिज के लिए भी आपका आज का दिन जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। आज के दिन छात्रों के करियर के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा। दूसरे लोगों की मदद करने का आज आपको मौका मिलेगा और परिवार के साथ बातचीत करने का करके आप अपनी परेशानियों को सुलझाने की आज कोशिश कर सकते हैं। अपने जो सहपाठी हैं उनके साथ में आज आपके संबंध अच्छे रहेंगे। यदि हम लकी नंबर की बात करते हैं तो वो रहेगा 8 नंबर और लकी रंग आपका रहेगा लाल रंग। तो लाल रंग से संबंधित कोई कपड़ा अपने साथ रखें या रुमाल अपने साथ में अवश्य रखें।
उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, गणेश जी को हरे वस्त्र आप अर्पित करें, उनको लड्डू चढ़ाएं और गणेश जी के ओम गं गणपते नमः का आप मंत्र जाप करें। आपके घर के माहौल तो खुशनुमा ही रहेगा, आपकी समस्याएं भी खत्म होंगी। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आज आपका दिन उत्तम रहने वाला है। बाहर जाते समय रास्ते में किसी करीबी दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे मिलकर के आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और ऑफिस में आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे आपके जो अधिकारी हैं वो आज खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं तो आगे चल करके अच्छे परिणाम दे सकते हैं। आपको अचानक कहीं से धन लाभ के भी अवसर आपको मिल सकते हैं और खुशियों में आपके वृद्धि होने के पूरे पूरे आसार हैं। व्यापार के मामले में कुछ अनुभवी लोगों से जुड़ने का आज आपको मौका मिलेगा। यदि आपके लकी नंबर की बात करते हैं तो लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर। लकी रंग आपके लिए रहेगा ऑरेंज कलर। उपाय की यदि हम बात करते हैं तो आज अपने इष्ट देवता को आप प्रणाम करके निकलें, उनके मंत्र का आप जाप करें, आपके धन में तो वृद्धि ही होगी, समस्याएं भी काफी खत्म होंगी। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आज आपका दिन ठीक ठाक सामान्य रहने वाला है। आगे तरक्की में थोड़ी रुकावटें जरूर आ सकती है, इससे आपकी थोड़ी परेशानी भी बढ़ सकती है। परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा और साथ ही आप उनके साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बना सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति पर आपको भरोसा करने से आज के दिन बचना चाहिए। जो आपके लवमेट्स हैं उनके लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। सोसाइटी और समाज में आप किसी थोड़ी सी आप अनबन हो सकती है और बेहतर होगा फालतू की बातों करने से आज आपको बचना चाहिए। यदि आपके लकी नंबर की बात करते हैं तो वो रहेगा 7 नंबर। लकी रंग आपका रहेगा नीला रंग, इसलिए नीले रंग से संबंधित कोई कपड़ा या कोई रुमाल अपने साथ में अवश्य रखें। यदि उपाय की बात करते हैं तो आज आप किसी कन्या को, छोटी कन्या को आशीर्वाद उनसे आप लेवें, उनके आप चरण छुएं, उनको उपहार स्वरूप कुछ गिफ्ट करें तो आपकी सारी समस्याएं, सारी मुश्किलें दूर होंगी। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आज आपका दिन अनुकूल रहने वाला है। आज अपनी काबिलियत में काम, जो आपका काम है उसको सरलतापूर्वक आप उसको पूरा कर लेंगे। धन लाभ में काफी इजाफा होने वाला है और दाम्पत्य जीवन में आपका सामंजस्य आज उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आप काफी ऊर्जावान अपने आप को महसूस करेंगे और करियर में आगे बढ़ने का कोई अच्छा मौका आपको आज मिल सकता है। नए लोगों से मुलाकात आपके भविष्य के लिए काफी लाभदायक रहेगी और आपके अंदर एक आत्मविश्वास की आज अधिकता रहेगी। परिवार के साथ बेहतर समय आज आप बिताएंगे और जितने भी आपके जो बड़े अधिकारी है वो आपसे प्रसन्न रहेंगे। जितने भी जो नियमित रोजमर्रा के कार्य हैं उनको पूरा करने में आज आपके दिन आप सफल रह सकते हैं। यदि आज लकी नंबर की बात करते हैं तो नंबर रहेगा आपका 1 नंबर। लकी रंग आपका रहेगा लाल रंग, तो लाल रंग के कपड़े पहने या लाल रंग का रुमाल अपने साथ में रखें, दिन ऊर्जावान आपका रहेगा। उपाय की यदि हम बात करते हैं तो उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी के दर्शन करने हैं और हनुमान जी को प्रसाद चलाना है, इससे आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। लीजिए अंत में हम बात करते हैं मीन राशि की। आज आप अपनी ऊर्जा अच्छे कामों में लगा सकते हैं और सरकारी कर्मचारी को तो आज विशेष लाभ मिल सकता है। शैक्षणिक कार्यों में आपकी रुचि भी बढ़ सकती है और जीवन साथी का आपको सहयोग भी मिल सकता है। घर में आज के दिन जो है जश्न का माहौल रह सकता है, साथ ही कोई मांगलिक कार्य होने की पूरी संभावना है। ऑफिस में काम जो है समय पर खत्म करने से आपके सभी आपके विवाद खत्म हो जाएंगे और वाह वाही की आवाज पात्र भी बन सकते हैं। सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव ला सकते हैं और दूसरों की बात को गंभीरता से सुनने की यदि आप आज कोशिश करेंगे तो आज का दिन आपका बेहतर जाने वाला है। आज के दिन आपका लकी नंबर रहेगा 9 नंबर। आपका लकी रंग है पीला रंग। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, मंदिर में केले का दान करें, आपके साथ में आज सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों ये तो थी हमारे 12 राशियों के बारे में। अंत में हम बात करते हैं वास्तु की कुछ खास टिप्स के बारे में। घर में या घर के आंगन में टॉयलेट और बाथरूम बनाने वक्त वास्तु का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके बुरे प्रभाव के कारण घर का वातावरण बिल्कुल बिगड़ सकता है और दोनों स्थानों में ज्योतिष के अंदर राहु और चंद्रमा की शरद का स्थान माना गया है। स्नान घर में चंद्रमा का वास होता है
और शौचालय के अंदर राहु का। शौचालय और बाथरूम दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, अर्थात चंद्रमा और राहु का एक साथ होना चंद्र ग्रहण की स्थिति मानी गई है। यदि ऐसा है तो यह ग्रह कलह का कारण बन सकता है। स्नान घर की आंतरिक व्यवस्था में नल को पूर्व या उत्तर दीवार पर लगाना चाहिए और जिस समय हम स्नान कर रहे हैं उस समय हमारा मुख पूर्व या उत्तर की तरफ ही होना चाहिए। स्नान घर में वॉश बेसिन ईशान कोण या पूर्व में रखना चाहिए। गीजर जो है और स्विच बोर्ड ये अग्नि कोण में होने चाहिए। इन्हें स्नान घर में दक्षिण पूर्व या उत्तर की दीवार पर ही लगाना चाहिए। बाथटब में ना हो या बाथटब की दीवारों या टाइल्स का रंग जो है हल्का नीला, आसमानी, सफेद या गुलाबी रंग का होना चाहिए। शौचालयों में जो व्यवस्था है वो इस प्रकार की हो कि शौच में बैठते समय जो मुंह है वो दक्षिण या पश्चिम में ही हो। बाकी अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो बाथरूम के समान ही रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो जाना हमने वास्तु की कुछ खास टिप्स जिनको करने से आप में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म करने के लिए वास्तु सम्मत आपको उपाय भी समय समय पर करते रहने चाहिए। तो ठीक है, आज हमने जाना पंचांग के बारे में, राशिफल के बारे में, ज्योतिष के रत्नों के बारे में और अंत में जाना हमने वास्तु की खास टिप्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ में। नमस्कार, राधे कृष्णा।